248 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज एजेंसी दी है, निर्माण का काम तेजी से प्रारंभ हो जाएगा। अब मेडिकल कॉलेज अपनी सिंगरौली में होगा, और मेडिकल कॉलेज का मतलब केवल मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज के कारण आपको इलाज के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गंभीर बीमारियों के इलाज भी सभी सिंगरौली की धरती पर संपन्न होंगे। एक बात और थी, हमारे इतनी खदानें, इतनी माइनिंग, लेकिन काम जब हम कहते हैं कि यहां के बच्चों को दो, तो एक बात आती थी स्किल्ड मैन पावर चाहिए, उसके लिए ट्रेंड लोग चाहिए, और सिंगरौली में उतने स्किल्ड बच्चे मिलते नहीं हैं। और इसलिए मेरे भांजे और भांजियों, अब जो माइनिंग कॉलेज खुलेगा, उस माइनिंग कॉलेज में पूरी ट्रेनिंग देके अपने बच्चों को तैयार करेंगे, ताकि माइनिंग के क्षेत्र में रोजगार मिले तो सिंगरौली जिले के बेटा बेटी को मिले। लेकिन आज एक बात और कह रहा हूं, केवल माइनिंग नहीं, सिंगरौली ऊर्जा धानी भी है, सिंगरौली देश को बिजली देती है, और इसलिए सिंगरौली के नौजवानों, ये केवल माइनिंग कॉलेज नहीं होगा, सिंगरौली में हम ऊर्जा कॉलेज भी उसी में खोलेंगे, एनर्जी कॉलेज भी। और उसके कारण पावर प्लांटों में जितने स्किल्ड मैन पावर चाहिए, नौकरी के लिए जिस तरह की योग्यता चाहिए, वो योग्यता इस माइनिंग के साथ साथ एनर्जी कॉलेज में वो भी प्राप्त करेंगे पढ़ के मेरे बच्चे। तो चाहे माइनिंग का क्षेत्र हो और चाहे बिजली का क्षेत्र हो, हमारे बच्चे इतने ट्रेंड होंगे कि रोजगार मिलेगा तो हमारे बच्चों को मिलेगा, हमारे नौजवानों को मिलेगा।